माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन पर लगातार जनजातीय मामलों के विषय पर सार्थक चर्चा हो रही है और इसी कड़ी में आज दीपक बैज से लेकर दामोर जी माननीय सदस्य तक कई माननीय सदस्यों ने अपने सुझाव, सहमति और वैसे जनजातीय समस्याओं को सदन के समक्ष लाया है, जो बहुत ही अत्यंत गंभीर भी है। आज के दिन में उस पर गंभीरता से विचार करना आवश्यक भी है और यह सदन बहुत गंभीरता से विचार भी किया है। मैं इस सदन में जिन माननीय सदस्यों ने आज की इस चर्चा में भाग लिया है, दीपक बैज जी, अरुण साहू जी, टीएनबी शांति कुमार जी, श्री पिनाकी मिश्रा जी, श्री सुनील कुमार सोनी जी, श्री पी रविंद्रनाथ जी, श्री प्रद्युत बरदुलोई जी सहित हमारे विपक्षी दल के माननीय वरिष्ठ नेता अधीर रंजन जी सहित माननीय सदस्यों ने यहाँ पर अपना विचार व्यक्त किया है, सुझाव दिया है और कुछ मुद्दों को हमारे सामने रखा है। अध्यक्ष महोदय, यह आज का जो संदर्भ है, आज का जो बिल है, वो छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है और छत्तीसगढ़ के वैसे 12 समुदाय जो सिनोनिमस तरीके से जो कई सूची में पहले से सम्मिलित हैं लेकिन पर्यायवाची शब्द के रूप में सम्मिलित हुए हैं और एक नए एंट्री के रूप में भी शामिल किए गए हैं। माननीय सदस्यों ने जिन बातों का उल्लेख किया उसमें मैं थोड़ा सा अपना स्पष्टीकरण देते हुए कि भारत सरकार ने जो मानक तय किया है वो पूरे देश के सभी ऐसे जनजातीय समस्याओं को समाधान करने के दृष्टि से जो मोडालिटीज तय की है उसके आधार पर आज यह छत्तीसगढ़ राज्य का मामला विचारार्थ सदन में लाया गया। इसके पहले इस सदन में कर्नाटका से संबंधित, तमिलनाडु से संबंधित, हिमाचल से संबंधित, उत्तर प्रदेश से संबंधित ऐसे जनजातीय मामले जो काफी वर्षों से उलझे हुए थे, माननीय पिनाकी मिश्रा जी चर्चा कर रहे थे कि 1978 से स्टेट गवर्नमेंट ने रिपोर्ट सबमिट किया है थ्रू TRI लेकिन अभी तक उसका समाधान नहीं। अब 1978 से यह समस्या उलझी हुई है ये सबके जानकारी में है और तब भी सदन था, आज भी सदन है और आगे भी सदन रहेगा। सरकारें आते जाते रहती है पर यह सवाल हमारे सामने उभर रहा है कि 1978 से ऐसे समस्याओं का समाधान के प्रति दृष्टिकोण क्या रहा। आज तो हम लगातार इस सदन में कई राज्यों के विषय पर चर्चा कर रहे हैं और मैं अभी पूरी सूची आपके सामने रखना चाहूँगा कि जो इस तरह के मामले विचाराधीन हैं उन सारे मामलों पर
भारत सरकार और माननीय नरेंद्र भाई मोदी की सरकार किस तरीके से गंभीरता से विचार कर रही, और यदि विचार नहीं करती तो मैंने कल इस सदन में कहा था कि वैसे समुदाय जिसकी आबादी मात्र 5,000 है, कर्नाटका की बेटा कुर्बा, उनका उनको न्याय मिले इसलिए इस सदन में चर्चा में लाया गया कि इस देश को भी समझना चाहिए कि 5,000 लोगों पर भी सदन नरेंद्र भाई मोदी की सरकार विचार करता है। उसके पहले नारी कुर्बन का मामला, जिसकी आबादी 27,000 है, इसी सदन में नरेंद्र भाई मोदी के सरकार के माध्यम से माननीय सदस्यों ने और हम सब ने चर्चा किया, भाग लिया और उसको पारित कराया। और आज उसी तरीके से छत्तीसगढ़ के मामले हो रहे, तो नियत साफ है कि देश भर के जनजातियों की जो समस्या है उसका समाधान होना चाहिए। और मैं सबसे पहले इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि इस मंत्रालय का उद्देश्य क्या है। ये एक मंत्रालय नहीं है, इसको कहा गया कि ट्राइबल अफेयर्स, जनजातीय मामले, जनजातीय मामले, जिस पर एक होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होना चाहिए। और पूरे देश में बिखरे हुए जो जनजातीय समाज अपने संस्कृति के लिए विख्यात है, उनको न्याय मिलना चाहिए, उनके डिस्टिंक्ट कल्चर को प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनकी भाषा संस्कृति और परंपराओं की जो जीवंतता है उसको बरकरार रखना चाहिए। और इसलिए एक मंत्रालय 1999 में, आजादी के कितने वर्षों के बाद, अब इसका यदि हमारे अधीर रंजन जी को मैं कहूंगा कि खुद से गणना कर ले कि 1947 में देश आजाद होता है और जनजातीय मामलों के मंत्रालय, जब देश रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये मंत्रालय बनता है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जब बोल रहे थे तो मैं बहुत गंभीरता से सुन रहा था, तो गलत नहीं है, गलत नहीं है जी। तो उन्हें थोड़ा ध्यान पूर्वक बैठना चाहिए और सुनना चाहिए। अब डार्विन के आविष्कार को मैं गलत नहीं मानता। अध्यक्ष महोदय, इस देश में जनजातीय समाज को और जनजातीय समाज के न्याय के बारे में सोचने का कभी लोगों को फुर्सत नहीं मिला। अभी बहुत लंबी किताबें पढ़ रहे थे। मैं माननीय अधीर रंजन जी को, जिन्होंने बहुत लंबी कसीदे पढ़े, मैं मानता हूं कि वो सही है, बहुत सारी चीजें किताबों में लिखी गई है, और जिसका उल्लेख किया कि 1931 में वो सूची से बाहर हो गए, मैं मानता हूं कि कॉलोनियल रूल था, 1931 में कॉलोनियल रूल, ब्रिटिश रूल था, उस समय उनके सूची से नाम हटा दिए गए। 41 में कॉलोनियल रूल था, लेकिन 1947 में तो देश आजाद हो गया था और आपके दल के पहले प्रधानमंत्री इस देश के बने थे। अगर न्याय आप चाहते तो उस समय क्या उनको न्याय नहीं दे सकते थे? हम तो आज विचार कर रहे हैं और मैं सबके बारे में आपको बताऊंगा। हमारी इच्छा है, हमारी मनसा है कि सबको न्याय मिले, सभी समुदाय जो इसके हकदार है उसको मिलना चाहिए, और वो प्रधानमंत्री की दृढ़ इच्छा शक्ति है और उस इच्छा शक्ति के साथ हम काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे ये उत्तर चाहता, आपसे ये कहना चाहता हूं कि 1947 में यह देश आजाद हुआ, लंबे कालखंड तक पंडित नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक प्रधानमंत्री इस देश में कांग्रेस के कितने हुए और किसके नेतृत्व में यह देश चला? देखिए, ये आज भी कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है ये लेजिस्लेशन।
आज भी पीसमील तरीके से आ रहे हैं। हम तो यही मांग कर रहे हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव रिलेशन होना चाहिए। एक मिनट, अब आप सुनिए, आप नहीं, अच्छा अध्यक्ष महोदय, आपको भी अध्यक्ष महोदय सकता हूँ, अध्यक्ष महोदय, अब अधीर रंजन जी आप थोड़ा सा सुन लीजिए, आप बोल दिए, आप थोड़ा सुन लीजिए, आप थोड़ा सुन लीजिए, आपने आपको इसलिए और आपके दल को लीडर ऑफ अपोजिशन का स्टेटस नहीं मिला, इसलिए नहीं मिला क्योंकि आप सीमित हो गए हैं, आपकी सोच सीमित हो गई है। आपने एक प्रदेश के बारे में उठाया विषय, आप पूरे देश में कितने लोगों का एप्लीकेशन है, कितने लोगों का डिमांड है, अगर आप ये बात कहते तो माना जाता कांग्रेस राष्ट्रीय दल है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, और ये अपने दल को, ये अपने दल को, ये अपने दल को एक शेर से, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय इसके दल की हालत क्या है मैं बता देना चाहता हूँ। गिरते उभरते डूबते धारे से कट गया, दरिया सिमट के किनारे से कट गया। अब किनारा भी इनका बचा नहीं, ये हालत इनकी है, हाथ में लिए बोल रहे हैं, इनके हालत ये है। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन्होंने कहा हमारे कुर्मी भाइयों के बारे में, बंगाल के हो, झारखंड के, उड़ीसा हो, हम जानते हैं उनके समस्या का समाधान होना चाहिए। झारखंड के घटवाल का मामला है, सारा मामला एक प्रोसेस के तहत चल रहा है, सारे मामले, क्योंकि सब जानते हैं कि मोडालिटीज क्या है। उस मोडालिटीज को लोकुर कमेटी को किसने बनाया था? आपने बनाया था, लेकिन लोकुर कमेटी के रिकमेंडेशन को भी आपने नहीं माना। लोकुर कमेटी 1965 में बनने के बाद उसको इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं किया? देश आपसे पूछना चाहता है, देश की जनता, देश के आदिवासी आपसे पूछना चाहता है, आपके पास उसका उत्तर है क्या? इसका उत्तर आपके पास है? जेपीसी ने जो रिकमेंडेशन किया उसका भी आपके पास उत्तर है क्या? अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं, यदि ये कांग्रेस के लीडर के नाते बोलते तो हमें बहुत खुशी होती, लेकिन इन्होंने एक सीमित तरीके से अपनी बात को कह करके औपचारिकता, क्योंकि वो चाहते नहीं कि उनका काम हो, ये चाहते हैं कि उसके नाम से हम राजनीति करें, क्योंकि ट्राइबल, अध्यक्ष महोदय, जनजातीय समुदाय के बारे में सोचते समय आपको ये सोचना चाहिए कि ये मंत्रालय अटल बिहारी वाजपेयी के समय में जो बना है, जनजातीय मामले, यानी ट्राइबल को बाय कास्ट आइडेंटिफाई नहीं किया जाता, बाय करेक्टर आइडेंटिफाई किया जाता है, और बाय करेक्टर, बाय ट्रेट, वो एंथ्रोपोलॉजिकल रिपोर्ट के आधार पर देखे जाते हैं, और ये सारी चीजें एक परंपरा के साथ बनाई हुई पद्धति है, उसके जीवन पद्धति के साथ देखा जाता है। आप इसको राजनीतिक कारण बना करके राजनीतिक लाभ मुनाफा लेना चाहते हैं? 60 साल तो आपने ले लिया, और कितना लीजिएगा? और नहीं मिलेगा, और आपकी दुर्गति हो गई, किनारे से कट गए, और लोगों को आप इस तरीके से भुलावे में रख करके आप नहीं कर सकते हैं। न्याय अगर देगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी, नरेंद्र भाई मोदी की सरकार देगी, और हमने सारे प्रपोजल्स के बारे में एक एक करके लगातार संवाद, संपर्क, रिपोर्ट बनाने का काम किया, और उस पर लगातार हम कार्रवाई कर रहे हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं, आंध्र प्रदेश का मंडूला का मामला है, कोंडा कुमारी का मामला है, वाल्मीकि बोया का मामला है, इसी तरीके से योबिन कम्युनिटी का मामला है, कार्बी का है, मटक मोरान, ताई अहम का मामला है, अमरी कार्बी का मामला है, टी ट्राइब्स जो बरसों से वहां रहते उनका मामला है,
लेकिन आपको इन सारी बातों पर चर्चा करने का फुर्सत नहीं। लुलुंग तिवा का मामला है, थांगल का मामला है, सरानिया का मामला है, माली का मामला है, मला निषाद बिंद गंगडो गंगोटा नोनिया करिया सावरा सावरा भूया भूया धनुहार धनुहार धांगर, ये सारे मामले। तो आप क्या समझते कि बिना रिसर्च का ये सारी चीजें हम सदन में लेकर के आए? क्योंकि वो पद्धति है ही नहीं, उनको भी मालूम है। फिर वो क्यों सिर्फ इस तरीके से बात कह करके अपने राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं? आप बताइए कि पूरे देश की जो समस्या है उसका समाधान कैसे होगा, पूरे देश के जनजातीय समाज का समाधान कैसे होगा? ये अप्रोच आपका नहीं है, और इसी अप्रोच के कारण देश की जनता ने आपको औकात बताने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, इसी तरीके से किसान नगेशिया कड़ाकू कड़ाकू भूयर भूयर देवनागरी कोड़ा बिरजिया राजवार सोनझरिया सोनझारा पावरा राठी कोली राठवा कोली, इस तरह के कई मामले, मैं पूरी सूची आपको क्या पढ़ के सुनाओ? लेकिन अध्यक्ष महोदय, सारे पूरे देश के मामले पर यह सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। लेकिन आप, मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आपने क्या किया? आप देश में सिर्फ राजनीति किया। आप जिस बंगाल की बात आज कर रहे हैं, 1971 में आपके कांग्रेस की सरकार ने सभी आदिवासियों को नक्सलाइट बोल करके मारने का काम किया। इतिहास देख लीजिए। आपने उस समय में आपने सारे लोगों को नक्सलाइट बनाने का काम किया। सिद्धार्थ शंकर रे के माध्यम से आपने क्या किया इस देश में? उग्रवादी कह करके सारे लोगों को मारने का काम किया। आप इमरजेंसी के नाम से इस देश को कहां धकेलने का काम किया? अच्छा, पुराना बोलने से आपको कठिनाई होती है, आपको याद दिलाने से कठिनाई होती है, पुरानी बात कहने से आपको कठिनाई होती है। अध्यक्ष महोदय, इसलिए ये सदन है जहां गंभीरता से विचार करिए, और गंभीरता से विचार करते हुए समाधान का रास्ता ढूंढिए। राजनीतिक लाभ के दृष्टि से जनजातीय समाज को देखने का कोशिश इस देश के लिए भी, और आपको तो औकात ही बता दिया आपको लोगों ने, इसलिए आपको तो आपको बता दिया। आज 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 आपको अध्यक्ष महोदय, तारीख की नजरों में एक तारीख के नजरों में ये सर उन्होंने गलत अध्यक्ष उनका शब्द रिकॉर्ड से निकाल दिया जाएगा दोनों तरफ से। चलिए बात कर रहे हैं, ये पार्टी की बात कर रहे हैं, मंत्री की बात नहीं कर रहे, आपके एमपी की बात नहीं कर रहे हैं, देश की पार्टी की बात कर रहे हैं। औकात बता दिया कांग्रेस किस तरीके से इस देश को लूटने का काम किया, और आज बदस्तूर आप वो काम कर रहे हो। तुम्हारा प्रमाण अध्यक्ष महोदय, एक मिनट प्लीज प्लीज बैठिए प्लीज प्लीज बैठिए अवकाश बोलिए। अध्यक्ष महोदय, इनको सुनने की क्षमता नहीं है। तारीख के नजरों में लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई है। इन्होंने जो बीज बोया उसी का सजा भुगत रहे। इसलिए
इसलिए मित्रों, इसलिए माननीय सदस्य, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि तत्कालीन बड़े चिढ़ रहे हैं, बड़ी चिढ़ रहे हैं। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का कथन, जिन्होंने कहा था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा, और वो आज हकीकत हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में दिखाई दे रहा है। जब इस देश में G20 का चर्चा चल रहा है, देश G20 का नेतृत्व कर रहा है, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में देश का सम्मान बढ़ रहा है, देश का गौरव बढ़ रहा है, और कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी भारतीय जनता पार्टी की सकारात्मक और विकास की राजनीति से अब नए भारत का निर्माण हो रहा है, और उसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के जनता को, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को न्याय मिल रहा है। देश के संप्रभुता के मामले में हमेशा कांग्रेस ने दोहरी नीति अपनाई और आज भी उससे बाज नहीं आ रही। देश को संगठित करते हुए कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, ये स्वर इसी सदन से पारित करते हुए देश और दुनिया को बताने का काम यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया। इसलिए अध्यक्ष महोदय, आज मैं सदन में छत्तीसगढ़ से संबंधित जो माननीय सदस्यों ने अपने सुझाव दिए हैं और जो समुदायों को आज न्याय मिल रहा है, मैं सदन के प्रति आभारी हूं और आशा रखता हूं कि आने वाले दिनों में अन्य राज्यों के जो मामले हैं, आपने कहा 9 अभी है, हम 9 नहीं, हम उसके आगे भी जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आपको आश्चर्य होगा, अभी लोगों को फिर थोड़ा सा बुरा भी लग सकता है, 75 PVTG है, 75 वेनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है, इनके शासन 60 साल तक रहे, 9 उसमें से लिस्टेड नहीं थे, ट्राइबल की लिस्ट में ही नहीं है, उसको भी न्याय देने का काम हमारी सरकार कर रही है, क्योंकि मोडालिटीज जो बने उसके आधार पर रिपोर्ट बनवा करके सदन में कैसे आए इसकी कोशिश हो रही। लगातार संवेदनशील सरकार, विकास उन्मुखी सरकार, जनता के प्रति उत्तरदायी सरकार होकर नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हम सब मिलकर के काम कर रहे हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि इस विधेयक को पारित किया जाए, कि विधेयक पर विचार किया जाए जो